नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज सागर में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ और इतिहास बन गया। सागर में भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दरअसल सागर जिले के खुरई में सेल्फी पॉइंट राजनीति का अखाड़ा बन गया। भाजपा कांग्रेस नेता बड़े मंत्री भी पहुंचे सागर जिले के खुरई में। सेल्फी पॉइंट में पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ के कारण वह राजनीति का अखाड़ा बन गया है। भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने भिड़ गए और पुलिस दोनों के बीच में खड़ी रही। वहीं स्थानीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के पहुंचने से राजनीति और गर्मा गई और आग में घी डालने का काम मंत्री जी ने पहुंचकर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे भाजपा नेताओं के साथ मंत्री जी भी बैठ गए। सागर जिले के खुरई में सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जिसमें पिछले दिनों तोड़फोड़ हुई थी। इसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की थी, तो आज कांग्रेस नेता इसमें जांच की मांग के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे थे। इस बीच वहीं पर भाजपा के भी कार्यकर्ता झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सेल्फी पॉइंट में तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने भिड़े। सेल्फी पॉइंट तोड़फोड़ में जांच व गिरफ्तारी की मांगों को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता एक ही समय में एक सड़क पर जमा हो गए और स्थिति इतनी भयावह होगी कि संभालना मुश्किल होगा। एक तरफ कांग्रेस नेता झंडे लेकर मौजूद थे तो दूसरी तरफ भाजपा नेता वहां तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी कर कांग्रेस नेताओं की तरफ बढ़ने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए वहां तैनात पुलिस बल बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों को रोकने लगा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर कांग्रेस नेताओं की तरफ दौड़े। लाठी चार्ज व गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बहुत जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई। हम आपको बता दें, जरा विजुअल्स देखिए आप। मंत्री भूपेंद्र सिंह के वहां पहुंचने से मामला और भी गंभीर हो गया। आग में घी डालने का काम हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के उनके पहुंचने से हौसले बढ़ गए और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भगाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया जमकर। निश्चित तौर पर इस तरीके की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सेल्फी पॉइंट में तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए तो मंत्री भी उनके साथ वहीं बैठ गए। मामले को देखते हुए जिला पुलिस के विभिन्न थानों से अतिरिक्त पुलिस बल खुरई बुलाया गया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी में भी तोड़फोड़ के वीडियो वायरल हुए हैं। इस पूरे मामले में मंत्री के पहुंचने पर और ज़्यादा स्थिति भयावह इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने खुद ही मंच से नारे लगाना शुरू कर दिया कि गुंडई नहीं चलेगी और इसका जवाब दिया जाएगा। अब विजुअल्स में देखिए, और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने और अरुणोदय चौबे कांग्रेस से उन्होंने क्या क्या बातें महत्वपूर्ण कही हैं, सुनिए आप। विधानसभा में विकास हो रहा है, विकास से खुरई में कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है और पिछले दिनों जो नगरपालिका के द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जिसमें मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो थी, हमारी फ़ोटो थी, वो सेल्फी पॉइंट दो जगह तोड़ दिए गए, उसकी सीएमओ के द्वारा नामजद FIR कराई गई और जिस तरह से गुंडागिर्दी कुछ लोग कर रहे हैं खुरई में, सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो SDM ऑफिस के ज्ञापन देने गए थे वहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने पथराव किया
कुर्सियाँ फेंकी, बतराव किया, गोली चलाई। इससे लगभग 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हैं। जो भी इसमें दोषी हैं उनके कार्रवाई होगा, वो भी सारी स्थिति से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, उसे देख रहे हैं। और इस घटना में जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही होगी उन पर भी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने ये घटना की है उन पर भी कार्रवाई। घायलों के लिए रिफर किया जा रहा है? जो गंभीर रूप से घायल है हमारे एक SC के हमारे जो पार्षद हैं प्रभु अहरवा, उनको हेड इंजुरी है, और एक अपना विनोद राजहंस पार्षद है हमारे, वो भी SC के पार्षद है हमारे अनुसूचित जाति के, उनको भी जो है इंजुरी है। और लगभग 150 लोगों को फ्रैक्चर, कुछ लोग को 150 लोगों के लगभग लोगों को फ्रैक्चर है और गंभीर चोट है। वो समय निकल गया जब गुंडागिर्दी चलती थी, अब नहीं चलने वाली गुंडागिर्दी। अब गुंडों का राज खत्म हो गया, अब गुंडों का राज नहीं चलने वाला। निकल गया वो समय जब गुंडागिर्दी होती थी, अब गुंडागिर्दी करेंगे तो उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, गुंडागिर्दी बर्दाश्त। इसलिए जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक जो लोग हैं उन पर FIR नहीं होती, तब तक हम सब यहाँ धरने पर बैठेंगे और मैं स्वयं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। बोलिए भारत माता की। 8 लोगों पे फर्जी मुकदमे केस बने हैं। एक सेल्फी टूटी गई, तोड़ी थी किसी ने, कोई दारू पट्टे ने तोड़ दी होगी। अब इसमें क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई लोगों पे, निर्दोष लोगों पे इनकी फितरत है कि केस बनाना। इसी संदर्भ में हम लोगों ने परसों वहां पर एक एप्लीकेशन दी थी, उसकी पावती भी हमारे पास, क्योंकि हम ज्ञापन देना चाहते हैं। महाकाली मंदिर से हम लोगों की शुरुआत थी, वहां पहुंचे तो पुलिस SDOP जो हैं यहाँ के क्रिकेटर, उनने ये कहा कि साहब अभी आप रुक जाएंगे, हम रुक गए। उसके बाद उनकी रैली आ गई भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अधिकांश सागर के लोग थे, 80%। जैसे उनकी आई तो हमने कहा साहब निकल जाए, हमने कहा अब आप यहाँ से चले जाइए, तो हम लोग सामने तरफ से चले गए थे। हम लोग भी हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भाई चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी भी थे, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष भाई सुधीर जैन थे, हमारे भाई सुरेंद्र चौबे जो है प्रदेश कांग्रेस के सचिव, और हमारे युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई राहुल चौबे भी उपस्थित थे। उनके साथ सैकड़ों लोग आए, हम लोग शामिल हो गए। उसके बाद अचानक इनका जुलूस फिर वहीं आ गया, हालांकि पुलिस। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए, क्योंकि यहां पर एक सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि शासन प्रशासन ने भी यहां पर जमकर लाठियां भांजी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स।